नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम बस्सी जयपुर राजस्थान से। आज हम बात करेंगे मानसिक बीमारियों के मूल कारण पर। मानसिक बीमारियों के बारे में वीडियो पहले बनाया जा चुका है। लोग कह रहे हैं कि और मूल में थोड़ा सा देखें, जिस हिसाब से आप बताते हैं कि बिल्कुल मूल, तो बहुत मूल में जब हम जाने की कोशिश करेंगे तो हमें पता लगेगा कि मानसिक बीमारियां जो आज हम जिस हिसाब से जीवन जी रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, आधुनिकता, तो ये आधुनिकता ही आधे से ज़्यादा तो मानसिक बीमारियों के होने में कारण है। फिर भी हम और देखते हैं तो मूल कारण बीमारियों में, मानसिक बीमारियों में जो रखा जाता है, एक बहुत पुरानी कहावत है, अप्रसन्नस्य चिंतस्य सर्वे रोगा भवन्ति। अप्रसन्नता और चिंता ये रोगों का कारण होती है। वैसे तो ये सारे रोगों के लिए है, लेकिन मनोरोग की जब बात आती है तो ये मूल कारण बन जाता है इसका, कि अप्रसन्नता और चिंता में रहने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल मनोरोगी होता है। और एक चीज कही भी जाती है कि चिंता चिता के समान होती है। तो जो जब चिंता चिता तक ले जा सकती है तो ये तो रोग, अपन तो रोग की बात कर रहे हैं कि चिंता से रोग हो जाते हैं। लेकिन अप्रसन्नता और चिंता, ये हमने कह दिया बीमारी का कारण अप्रसन्नता और चिंता है, लेकिन अप्रसन्नता और चिंता का कारण क्या है? अप्रसन्नता और चिंता भी किसी वजह से होती है, कोई वजह होती है अप्रसन्न होने की या चिंतित होने की, तो वो वजह क्या है? हम उस वजह को खोजने की कोशिश करते हैं। चूंकि प्राकृतिक चिकित्सा में काम ही यह है कि आप पहले जड़ तक जाओ, और जब जड़ पर पहुंच जाओ तो जड़ को खत्म कर दो, ताकि रोग बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जैसे जब हम पंक्चर टायर में होता है, पंक्चर बनवाने जाते हैं, तो पंक्चर बनाने वाला टायर को खोलता है, ट्यूब को देखता है, पानी में रख रख के देख लेता है जहां ट्यूब में पंक्चर हुआ है, कोई कील घुसी है, कांटा घुसा है, उस जगह से ट्यूब में पहले हवा भर के पानी में रखते हैं ना, तो उस जगह से बुलबुले उठते हैं, फिर उसको घिस के उस जगह पर कुछ लगा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, तो पंक्चर को हमने जोड़ दिया। ये तो जोड़ने का काम कर दिया हमने, कि कारण देखा कि भाई ये पंक्चर था और ये उसको हमने जोड़ दिया। लेकिन अगर टायर में घुसी हुई कील को हमने नहीं निकाला तो कितनी देर पंक्चर जुड़ा हुआ रहेगा? जैसे ही टायर चलेगा वो कील फिर ट्यूब में घुस जाएगी, फिर पंक्चर हो जाएगी। यही होता है। ऐसे ही जब बार 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 करके बल्ब फ्यूज हो रहा है, ऐसे समय में अगर हम केवल बल्ब को बदलते रहें, ये ना देखें कि कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से बल्ब खराब हो रहा है, तो बल्ब को बदलना पूरा परमानेंट इलाज नहीं है, कारण कुछ और है, उस कारण को देखना पड़ता है। तो वो कारण हमें देखने हैं कि अप्रसन्नता और चिंता के वो कारण क्या हैं। अप्रसन्नता होने का या चिंतित होने का मूल कारण जब हम खोजने की कोशिश करते हैं तो बात सामने आती है कि जिनसे हमें लगाव ज़्यादा होता है, जिनसे हमें इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, लालसा जिनसे हमको ज़्यादा होती है, जिनके प्रति हमारा लगाव बहुत ज़्यादा है उनसे, और जब इन इच्छाओं का, अपेक्षाओं का, आसक्तियों का पूर्ण होना, जहाँ हम चाहते हैं कि ये हमारी इच्छा है पूरी हो जाए, ये नहीं हो पाती, वहाँ से मन में ये बात आना चालू होती है कि हम ऐसा सोच रहे थे और नहीं हुआ। मतलब अपेक्षा की उपेक्षा,
हमने सोचा ऐसा होगा, वैसा नहीं हुआ। तो मन में एक बात आई कि हमने ऐसा सोचा था, नहीं हुआ, मन चिंतित हुआ। हो जाता, आजकल चल रहा है बेटा होगा बेटी होगी, सोचा है बेटा होगा, खुशी होगी, होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन हो रहा है। तो उस समय पर जो हमने सोचा हुआ था, जो हमारी अपेक्षा थी, वो नहीं हुआ, तो हमारा मन थोड़ा सा अप्रसन्न हुआ। नहीं होना चाहिए, बेटा बेटी बिल्कुल बराबर है। मैं तो कहता हूँ बेटियाँ ज़्यादा ख्याल रखती हैं, बेटियाँ ज़्यादा मानसिक रूप से लगाव रखती हैं, बेटे भी रखते हैं, ऐसा नहीं है बेटे नहीं रखते। लेकिन थोड़ी सी जो आज समाज में ये जो चलन चला हुआ है, ये चलन धीरे धीरे करके अब लोग समझ रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, उस पर बात कभी बाद में करी जा सकती है। तो ये जो अपेक्षा की उपेक्षा की वजह से अप्रसन्नता, या जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं होने की वजह से चिंता, और ये जो हुआ इसका मूल कारण क्या था, इसका भी एक मूल कारण है। हमें जिससे अपेक्षा है, जिससे लगाव है, जिससे लालसा रखते हैं हम, कुछ क्यों रखते हैं? क्योंकि उससे मोह है हमें। तो बिल्कुल मूल में अगर गए तो रामचरितमानस में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही है जो आपको, मोह के पूरे नहीं होने पर अप्रसन्नता भी होगी, मोह के पूरे नहीं होने पर आपको चिंता भी होगी, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी रोगों की जड़ मोह है। अहम, वहम और लालसा, हम जब अहम में होते हैं और हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो क्या होता है? तो क्रोध उत्पन्न होता है। हम जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ और हम अहम में हैं, अहम ब्रह्मास्मि। जब जब अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति हुई है तब तब बहुत बड़ा नुकसान किया है उसने, जिसने ये सोचा है अहम ब्रह्मास्मि। तो मूल कारण तो ये है। अब जब ये कारण आपको समझ में आ रहे हैं कि हमारी इच्छा, हमारी अपेक्षा ये मूल कारण है, तो हम इच्छा रखना क्या बंद कर सकते हैं? अपेक्षा रखना क्या हम खत्म कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, यदि हाँ में उत्तर है, तो बीमारियां बिल्कुल खत्म हो सकती हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होता, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, नहीं मोह कोई खत्म कर पाते हैं क्या, ये सब फालतू की बातें हैं। ये इसलिए मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत बोली जाती है, करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो जब पत्थर पर रस्सी की वजह से निशान हो सकता है, जिस रस्सी को एक बार पत्थर के कुचलने से तोड़ा जा सकता है, वही रस्सी जब लगातार लगातार पत्थर पर घिसती रहती है तो रस्सी नहीं कटती है, पत्थर पर निशान हो जाता है। तो प्रैक्टिस करने से, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अंग्रेजी में इसकी कहावत है। तो जब प्रैक्टिस लगातार करी जाए किसी भी चीज की, तो ये संभव है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है। लेकिन हमको बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है। और वो मेहनत और वो अभ्यास हम कहां से सीख सकते हैं? वो मेहनत और वो अभ्यास हम सीख सकते हैं योग से। इसीलिए मानसिक बीमारियों का इलाज और कहीं हो या ना हो, लेकिन योग में पूरा इलाज होता है मानसिक बीमारियों का। जहां योग की बात आती है, वहां योग में मानसिक बीमारियों का कारण क्या है यह भी बात आती है। तो योग में भी मानसिक बीमारियों का कारण मूल रूप से जो रखा गया है, योग के हिसाब से आहार को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो योग में तो मानसिक रोगों के होने का एक और कारण निकल के आता है कि हम तामसिक आहार खा रहे हैं, हम तामसिक वातावरण में रह रहे हैं, हम तामसिक शब्द सुन रहे हैं, हम तामसिक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तामसिक दृश्य देख रहे हैं।
तो ये सब आहार हैं। आंख के लिए देखना आहार है, कान के लिए सुनना आहार है, नाक के लिए सूंघना आहार है, त्वचा के लिए स्पर्श भी आहार का काम करता है। और फिर जो बचता है वो जो खाद्य हम खा रहे हैं वो हमारा आहार है, वो उसको तो हम सब जानते हैं वो आहार है। तो जब सारा ही तामसिक हो रहा है तो ऐसी अवस्था में क्यों नहीं तामसिकता शरीर में आएगी? और तनाव तामसिकता का ही तो एक लक्षण है, गुस्सा तामसिकता का ही तो लक्षण है, क्रोध क्रोध भी तामसिकता का ही लक्षण है। तो जब तामसिकता हमारे चारों तरफ फैली पड़ी है, उस तामसिकता को हम कैसे खत्म करेंगे? ये तो बहुत अच्छे जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो मनोरोग चिकित्सक बहुत अच्छे हैं, वो भी आजकल इस चीज को बोलने लग गए हैं कि इलाज जो भी है वो करते रहिए, लेकिन साथ में अच्छे वातावरण में रहिए, अच्छा माहौल बना के रखिए घर में। जब कोई मनोरोगी होता है तो जब फैमिलियल काउंसलिंग कराई जाती है तो साइकेट्रिस्ट क्या बोलता है कि भाई इनसे फालतू की बातें ना बोली जाएं, प्यार से इनसे बात करी जाए, कोई इन पर गुस्सा ना करे। तो ये क्या है, मतलब आप वहां शब्दों में सात्विकता लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा माहौल रखा जाए, प्राकृतिक माहौल होना चाहिए, वहां आप दृश्य में सात्विकता लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और हम केवल सात्विक भोजन कर लेते हैं, उससे सोचते हैं कि सब कुछ हो गया, नहीं, कहीं गलतियां हैं, कुछ तो है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, उसी वजह से पूरा फायदा नहीं हो पा रहा है। तो अच्छा वातावरण, प्राकृतिक माहौल, अच्छे शब्दों का उपयोग, अच्छा भोजन किया जाए, सुगंधित वातावरण हो, और स्पर्श जो है, ममत्व का स्पर्श जो होता है, प्यार भरा स्नेह भरा स्पर्श, उसकी आवश्यकता होती है। जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हो, माथे पर प्यार से हाथ फेरने से उसकी आधी समस्या दूर हो जाती है। होता है बच्चा जब बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत दिक्कत में हो, माथे पर माँ अगर हाथ फेर दे तो बहुत सी समस्याओं का अंत हो जाता है वहां। तो ये स्पर्श है, सात्विक स्पर्श, जहां हमने ये योग से ही आ रहा है आहार से। तो योग का तो केवल जो दृष्टिकोण रखा था हमने, उसी से बहुत अच्छा इलाज हो जा रहा है। और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं, जितने भी मनोरोग चिकित्सक हैं आजकल, उन्होंने अपने अपने बहुत अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें प्राकृतिक माहौल है, अच्छे लोग रखे गए हैं जो बड़े प्यार से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, बोली भाषा प्यार की है उनकी, अच्छा भोजन दिया जा रहा है, सात्विक भोजन का उपयोग कराया जा रहा है। तो यहां इलाज, मूल इलाज ये है, हम दवाइयां खा लेते हैं, दवाइयों से मस्तिष्क को हम शिथिल करने का प्रयास करते हैं, जहां जरूरत है उसकी वहां वो भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल इसी सब के चक्कर में वो छोड़ दिया जाए और पेशेंट लगातार मैनिक स्टेज को क्रॉस करता जा रहा है, मैनिया होता जा रहा है पेशेंट को, फिर थोड़ी दिक्कत होगी। तो समय रहते अगर हम इलाज कर लेंगे तो शायद उन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े कि दवाइयां बहुत खानी पड़ रही हैं। और समय निकल गया है बाय चांस, तो फिर कुछ समय के लिए दवाइयां ली जाएं, साथ में इन सब चीजों का उपयोग किया जाए, बहुत अच्छा आराम होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा आराम होगा। तो अब बात आती है कि योग में हमने कारण देख लिया, निदान चिकित्सा योग की किस प्रकार से मानसिक रोगों को दूर कर सकती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं चीजों को। योग में शुद्धि, किसी भी चिकित्सा के लिए शुद्धि सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब भी शुद्धि आती है, मैं केवल नहाने या पानी की नैती करना या पानी पी के उल्टी करना, बाल को शैम्पू से धो लेना, अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के साबुन लगा के शरीर को धो लेना, केवल ये शुद्धि है मैं नहीं मानता। शुद्धि क्रियाएं जो होती हैं, लोग शुद्धि क्रियाओं
का पूरा फॉलोअप करके कह देते हैं शुद्धि हो गई, नहीं, वहां भी शुद्धि पूरी नहीं होती। शुद्धि में पूरा शुद्धि आएगी, आहार शुद्धि। वो आहार कैसे आ रहा है, हम कैसे जीवन को का यापन कर रहे हैं, जीवन के यापन करने के लिए द्रव्य किस तरीके से कमाया जा रहा है, द्रव्य शुद्धि। हमारे आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, उनके भाव हमारे लिए कैसे हैं, हम जो खा रहे हैं उसको उगाने वाले के, उसको बनाने वाले के, उसको परोसने वाले के भाव कैसे हैं, भाव शुद्धि। जब ये सारी चीजें आती हैं तब शुद्धि पूरी होती है। तो शुद्धि पूरी करने के बाद हम कोशिश करें जितनी हम कर सकते हैं उतनी शुद्धि पूरी करने के बाद फिर हम बढ़ते हैं आसन की तरफ। योग में यम नियम जो है उसमें शुद्धि आ जाती है। सोच नियम में पहला नियम सोच का है, सोच में सारी शुद्धि आ गई। उसके बाद जब हम आसन की तरफ बढ़ते हैं तो आसन से ही हमारे मानसिक रोगों का निदान चालू हो जाता है, क्योंकि आसन में हमको स्थिर रहना सिखाया जाता है और हमको वो सीखना है। हमें ऐसा नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जब घड़ा पहले से पूरा भरा हो तो उसमें जो पानी डालते हैं वो निकलता रहता है। तो हमको बहुत जरूरी है, सीखने की आवश्यकता है हमें। आसन की अवस्था तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक किसी भी आसन में हम लंबे समय तक स्थिर रहते हुए सुख की अनुभूति करना चालू नहीं कर देते, तब आसन आसन होता है। हम क्या करते हैं, आसन कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, कौन सा करते हैं, पश्चिमोत्तानासन करते हैं। कैसे करते हैं, आगे जाते हैं और पीछे आ जाते हैं, आगे जाते हैं सांस भरते छोड़ते हुए और सांस को छोड़ा, पेट को दबा के आगे झुके और सांस को भरते हुए वापस आ गए। लेकिन आसन ये नहीं है। आसन का मतलब स्थिर सुखम आसनम, आप जहां पर गए हैं वहां पर स्थिर भी होइए। और स्थिर होने के लिए आप 10 सेकंड से लेकर के जितनी देर आप कर सकते हो उतनी देर की स्थिरता, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आसन को कितनी देर करना चाहिए प्रश्न होते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी। जब पहले लोग तब किया करते थे एक पैर पर खड़े होके हाथ ऊपर करके वृक्षासन जिसको बोलते हैं हम, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने तब किया वृक्षासन पे खड़े होके, तो क्या एक सेकंड के लिए किया, एक मिनट के लिए किया, दो मिनट के लिए किया। जिसकी जितनी क्षमता, और क्षमता क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं करत करत अभ्यास के, फिर से वही आ जाता है। धीरे 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 करते करते हम पूरा पहुंचे। और आसन जरूरी नहीं है कि आसन करना है, हाँ करना है, ये वाला करना है, ये हमसे पूरा नहीं हो पाता, आज नहीं हो पाता, कोई बात नहीं है। आसन में भी कभी ये नहीं कहा गया कि आज ही खींच तान के दबा के जोर लगा के आज ही करवा दो पूरा, नहीं। आसन करने का जो अभ्यास है उस अभ्यास में सीधे सीधे लिखा गया है, प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापति भ्याम, लंबे समय तक अभ्यास करिए, बहुत अच्छा है। तो आसन में हमें अभ्यास करते हुए स्थिर रहने की कोशिश करनी है। फिर हम आते हैं प्राणायाम पर। मानसिक रोगों में प्राणायाम बहुत ज्यादा फायदा करता है। प्राणायाम हमारे मन को हमारे श्वास से जोड़ने का काम करता है। योग जोड़ना ही तो है, योग का हर अंग जोड़ने का काम कर रहा है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में पूरा बताया हुआ है, प्राणायाम का अलग से टॉपिक है, यहां हम प्राणायाम को डिटेल में नहीं लेंगे। तो प्राणायाम भी बहुत इफेक्टिव है, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, आप भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। ये प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। अगर कोई मानसिक रूप से थोड़ा सा विचलित है, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, बहुत बढ़िया इफेक्ट देता है। तो ये प्राणायाम जरूरी है, इनका अभ्यास लेकिन आपको करना प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीका आपको प्राणायाम में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वीडियो। ध्यान एक ऐसा विषय जो बहुत फैलाया जा रहा है। ध्यान के लिए मैं एक ही शब्द बोलना चाहूंगा, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिकेशन फॉर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। लेकिन वो मेडिटेशन के तरीके से हो तब वो बेस्ट है, बिल्कुल, उससे बढ़िया और कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन वहां हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। तो मेडिटेशन किस तरीके से हमें करना है, वो पूरा ध्यान अगर हम रखें, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है
वो अगर हम श्वास पर, शरीर पर लगा दें, मन को एक जगह स्थिर करने का प्रयास कर दें, हमारे लिए मेडिटेशन है। प्रत्याहार ही हमारे लिए अपने आप में मेडिटेशन है। हम अगर प्रत्याहार को भी अच्छे तरीके से कर पाए तो आप समझ लीजिए, प्रत्याहार का मतलब अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटा करके आंतरिक विषयों पर लगाना। हम अपने अंतर के विषयों पर अपनी इंद्रियों को लगा रहे हैं, वही प्रत्याहार है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत इफेक्टिव मेजरमेंट है, मेजर है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। तो ये मूल कारण और मूल कारणों का पूरे तरीके से प्राकृतिक ढंग से किस तरीके से निवारण हो सकता है, ये विषय था। आशा है आपको सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी भी बात को लेके कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।